हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रैजिक सॉक्स। वेल, ये थर्ड पार्ट है वीडियो सीरीज का जो कि एक इंट्राडे बायर्स ट्रैप स्ट्रेटजी है जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। आपको मैंने सेकंड पार्ट में दिखाया था कि तकरीबन जो है 300 प्लस एनुअल रिटर्न दे रही है। दैट इज़ अ बम्पर रिजल्ट्स। यहाँ पर आपका जो कैपिटल बहुत बूमिंगली जो है पिछले सालों में मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में बता रखा है वो आप पहले देखिए इस लिंक के थ्रू। देन जो है आप सेकेंड वीडियो जिसमें मैंने बैक टेस्टर का रिजल्ट करके दिखाए हैं वो आप इस लिंक के थ्रू देखिए। एंड देन इस वीडियो पे आइए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दैट इज़ अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क कैसे कवर्ड रहेगा, कैसे आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पैरेलली जो है आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग करते हुए क्या क्या माइंडसेट लेके चलना चाहिए आपको। एंड होप आपको स्ट्रेटजी जो है अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा कमा के देगी। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम सबका फ़ायदा हो सके। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखने वाला हूँ आफ्टर द 3+3 मंथ्स फ्री ट्रायल जो कि कोई भी नहीं देता। 6 महीने का फ्री ट्रायल है तो बिंदास बेझिझक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है यूज़ करने के लिए। आप खुद ही टेस्ट करके देखिए कि स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है। उसके बाद भी मैं बहुत ही नॉर्मल चार्जेस रखूँगा एंड ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग हमारी मदद करें। आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हम जितने ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतना ही मैं नॉर्मल फीस रख पाऊँगा। ये मैंने अपनी टीम से बात कर ली है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड लेट्स सी कि हम कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यस, तो वेलकम टू द स्क्रीन एवरीवन। ये जैसे मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि आप जब भी इंडिकेटर को ऐड करेंगे चार्ट्स में, सो इट विल आस्क फॉर 3 थिंग्स टू यू। एक तो पासवर्ड होगा, पासवर्ड 1 नहीं है, वो तो मैंने टेम्प्रेरी सेट किया हुआ है। देन इट विल आस्क फॉर योर ट्रेडिंग कैपिटल जो आप उस दिन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एक जो आज वीडियो में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की वो सिलेक्ट करने को बोलेगा। जैसा कि मैंने सेकंड पार्ट में बात की थी, हमारे 3 मोड्स हैं यहाँ पर। एक अग्रेसिव है, अगर आप हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न सोच रहे हैं, अगर आपके रिस्क लेने की क्षमता है 30 से 35% का ड्रॉडाउन आप झेल सकते हैं, क्योंकि सबके झेलने की बात नहीं होती पॉसिबल। जैसा ही लॉसेस होने शुरू होते हैं तो साइकोलॉजी बिगड़ने शुरू हो जाती है एंड ट्रस्ट इन द स्ट्रेटजी जो है वो कम हो जाता है। सो आई नो दिस। जनरली जो है लोग ड्रॉडाउन फेज में सोचते हैं कि ये बकवास स्ट्रेटजी है, ये काम नहीं करती है, बट मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्ट्रेटजी जो है विदाउट ड्रॉडाउन नहीं हो सकती है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है पॉसिबल जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिले। लॉसेस एक्सेप्टेबल होने चाहिए। सो अग्रेसिव जोन उन्हीं के लिए है जो है 30 से 35% का जो है ड्रॉडाउन एक्सपेक्ट करते हैं। एक माइंडसेट बना लीजिए कि ये पिछले 7-8 साल के बैक टेस्ट रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं होता कि जितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। दिस इज़ एन इंडिकेशन कि हाँ, थिंग्स टू वर्क वेल, बट देयर कैन बी सिनेरियोज जहाँ पर मार्केट कैसे भी बिहेव कर सकती है। सो बेटर है टू स्टार्ट विद कंजर्वेटिव अप्रोच। मैं आपको तीनों में बताता हूँ कि क्या क्या अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं। आप जो है पहले पेपर ट्रेडिंग शुरू करें। पेपर ट्रेडिंग में आप मॉडरेट से शुरू करें। आप करीबन जो है कम से कम 3 वीक्स ऑफ सेशन जो है आप पेपर ट्रेड करेंगे स्ट्रेटजी को, ताकि आप यूज टू हो। आपको ऑर्डर पंच कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू के पूरा जो है सेटअप को बताऊँगा। प्रेजेंटली जो है आप मॉडरेट मोड में पेपर ट्रेडिंग करें और प्रैक्टिस करें मैक्सिमम के उस टाइम फ्रेम में आप ऑर्डर्स पंच कर पाएँ। देखिए, पैसा कमाना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक हड़बड़ाहट रहती है बंदे के मन में, तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी सेटअप ऐसा बना दिया है कि आपको कुछ भी खुद से सोचना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पंच करने हैं। फिर भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। पैरेलली आप खुद से बैक टेस्ट देखिए रिजल्ट्स, जैसे मैं आपको पूरा ट्रेड दे दूंगा, कम्प्लीटली ट्रेड रिजल्ट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप उनको ट्रेडिंग व्यू पे देखिए, आप चार्ट्स पे देखिए कि कैसे कैसे जो है हो रहा है, ताकि आप खुद से भी मैनुअल बैक टेस्ट कर सकें। कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो आप स्टार्ट कब करेंगे, जब आप इनिशियली कैपिटल जो है आप अपना लगा रहे हैं। तो व्हाट इज़ कंजर्वेटिव अप्रोच? कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो आपका जो है सेफ अप्रोच है, जहाँ पर आपका ड्रॉडाउन जो है वो 13 to 14% ही है। और ड्रॉडाउन का मतलब क्या है कि मतलब किसी भी टाइम पे पिछले 7-8 सालों में किसी भी टाइम पे आपका जो कैपिटल जहाँ पर भी पीक पहुँचा है, जितने भी लेवल पहुँचा है, उससे 13-14% ही नीचे गिरा होगा, उससे ज़्यादा परसेंट नीचे नहीं गिरा होगा। तो दैट इज़ द ड्रॉडाउन, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर साइकोलॉजी। सो बेटर है कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच से शुरू करिए और एटलीस्ट 1-2 महीना कंजर्वेटिव मोड में ही आप बैक टेस्ट करें, आप ट्रेडिंग करें। देन जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है आपका, पैरेलली मैं कम्युनिटी टैब में यूट्यूब चैनल पे आपके सारे रोज़ के रिजल्ट्स जो है वो पेश करूँगा, एंड आप भी अपने साथ जो है एक्टिव रहकर आप उसमें जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। हम पहले डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे हम चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, एंड विद टाइम मैं स्ट्रैटेजी को और बेटर कर दूंगा। आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई होप ये चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। देन आप कंजर्वेटिव में मैं बात करूँ तो आपको एनुअल रिटर्न्स जो है वो तकरीबन जो है वो 75 to 80% तक ईजिली मिल जाएंगे। इसलिए कहना आसान है, बट मैं बैक टेस्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मिल ही जाएंगे। आपको बैक टेस्ट रिजल्ट में 75 to 80% जो है एनुअल रिटर्न्स जो है वो बन रहे हैं कंजर्वेटिव अप्रोच में, और ड्रॉडाउन काफ़ी कम है। अगर आप मॉडरेट में जाते हैं तो 200+ का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आपका एनुअल रिटर्न से। दैट इज़ द लास्ट 7-8 ईयर्स में 200+ का जो है रिटर्न आ रहा है, एंड दैट इज़ वेरी ह्यूज ऑब्वियसली। इसमें जो है ड्रॉडाउन जो है मॉडरेट में लगभग मान के चलिए 20 to 25% का ड्रॉडाउन रहेगा। सो इतना ड्रॉडाउन आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रहता ही कॉन्टिन्यूसली, देयर आर फेजेस। मान लीजिए कि पिछले 7-8 साल में 4-5 बार आया होगा। अब ऐसा माइंडसेट लेके चलिए कि साल में एक बार ऐसा हो सकता है कि आपका कैपिटल जो है 20% तक नीचे चला जाए। घबराने की बात नहीं है, प्रॉफिट्स भी अल्टीमेटली होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं। सो यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द लॉसेस। आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते हो अगर आप लॉस नहीं झेल सकते, ये बात आप समझ लीजिए। आप लॉस नहीं झेल सकते तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो यू व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? जब भी स्टॉप लॉस आपके हिट होते हैं, ट्राई टू सेलिब्रेट इट। मैंने ये टेक्निक अपनानी शुरू करी थी जब मेरे स्टॉप लॉस हिट होते थे। मैं उस दिन खुश होता था, उस दिन मैं आई ट्राई टू सेलिब्रेट इट। मैं अपने माइंड सेट में मैं आपको खुश रखने की कोशिश करता था ताकि वो मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। धीरे धीरे मैं यूज टू हो गया स्टॉप लॉस हिट से, एंड ये बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी का पार्ट है जो कि हर एक को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉसेस होते हैं, यूर टेस्टिंग ऑफ पेशेंस जो है हमेशा होती है। हमेशा जो ऐसे फेज आते हैं जब मार्केट में जो है स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। ये हर स्ट्रैटेजी के साथ होता है, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो हमेशा आपको विन ही करेगी। सो मॉडरेट में अच्छे रिजल्ट्स हैं। मॉडरेट के बाद जो है एग्रेसिव बात करते हैं। एग्रेसिव में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट बहुत ही हाई रिस्क के साथ हैं, वेरी हाई रिटर्न्स एंड वेरी हाई रिस्क। सो आई डोंट रिकमेंड दिस एट ऑल। इवन मैं भी एग्रेसिव मोड नहीं चाहता, बट कई लोग जो एग्रेसिव अगर जाना चाहते हैं तो वो एग्रेसिव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो होगा क्या, इनसे फ़र्क क्या पड़ेगा? इन मोड्स की सिलेक्शन से आपका जो है क्वांटिटी ऑफ शेयर्स पे फ़र्क पड़ेगा। आपका क्वांटिटी कितनी लेनी है बेस्ड ऑन योर कैपिटल, है ना? यस, आपको कैपिटल बस डालना है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी आपको सिस्टम बताएगा। सो एग्रेसिव जोन में आपका जो है ड्रॉडाउन जो है वो 35% तक आप मान सकते हैं। मतलब आपका अगर आपने 1 लाख रुपये किस टाइम पे आपका कैपिटल है, या फिर आपने 1 लाख रुपये लगाया हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ साइड चांस कि आपका 35% तक, मतलब 35,000 तक लॉस हो जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्रेसिव जो है माइंडसेट आप मत लेके चलिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बट इट इज़ कम्प्लीटली योर माइंडसेट। एंड मैं फिर से बोलूँगा, ये बैक टेस्ट रिजल्ट्स हैं, ये हमेशा जो है फॉरवर्ड रिजल्ट्स की तरह नहीं हो सकते। देयर कैन बी लॉसेस। तो इट इज़ अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो ये तो जस्ट एक बैक टेस्ट सिस्टम है जो कि अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मॉडरेट में होता है। मॉडरेट में मैंने करके अप्लाई किया। सो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आएगी। सो जैसे आपका देख सकते हैं आप लिस्ट ऑफ स्टॉक आई है। तो यहाँ पर देयर आर डेज जब आपका बहुत ही कम आएंगे, है ना, जब आपको बहुत कंफर्ट रहेगा ट्रेड पंच करने में। एंड देयर विल बी डेज जब आपको ज़्यादा ट्रेड्स होंगे पंच करने के लिए। एनीवेज दैट इज़ कम्प्लीटली सिस्टम डिपेंडेंट, वो कोई गेस नहीं कर सकता किस दिन कितने ट्रेड्स आएंगे। बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कैसे जो है आपके लिए ये सब नंबर्स जो है हेल्प करेंगे। बहुत ही यूज़फुल नंबर्स हैं ये, तभी मैं बोल रहा हूँ आप पेपर ट्रेड करके पहले इनसे यूज टू हो जाएं, आप हैबिट बनाएं, उसके बाद ही जो है आप एक्चुअल मनी आपका पंप इन करें। सो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर दिखती है। जैसे एसबीआई जो है वो किस अमाउंट पे आपको शॉर्ट करना है, दिस इज़ अ शॉर्ट स्ट्रैटजी, और ये शॉर्ट ओनली स्ट्रैटजी है। यहाँ पर आपको क्वान्टिटी दिखेगी, जैसे 99 बता रहा है। मॉडरेट जोन में 1 लाख कैपिटल लगाया है तो 99 शेयर्स आपको शॉर्ट करने हैं। सिमिलरली टाटा केमिकल जो है 55 करने हैं और एक्सिस 66 करने हैं। ये सब आपको सिस्टम दिखा रहा है। एंड जो है पैरेलली आप अगर मोड चेंज करते हैं, आप कंजर्वेटिव में जाते हैं, तो कंजर्वेटिव में फ़र्क क्या होगा, राइट। सो कंजर्वेटिव में देखिए ज़रा, तो अब जैसे 99 थे यहाँ पर एसबीआई के, अब ये स्टॉक्स जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, 59 हो गई है अब ये। तो मतलब सिस्टम खुद ही बता रहा है आपको कि आप इतना ही रिस्क उठाएं, इससे ज़्यादा रिस्क ना उठाएं अपने कैपिटल पे। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आपका रिस्क को कंट्रोल करेगी। एंड लेट द सिस्टम डू इट्स वर्क। जो सिस्टम बताता है आपको, आप अपना जो है दिमाग ना लगाए उसमें। छेड़खानी जनरली जो है जो लोग करते हैं, जो लोग जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है यार बड़ा आ गया अब सिस्टम के हिसाब से नहीं चलना, वही उनको ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है सिस्टम से। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट एक बहुत ज़रूरी है। रूल बेस्ड सिस्टम है, सिस्टमेटिक अप्रोच है, तो हमें जो है सिस्टम को ही फॉलो करना है। सिस्टम आपको बता रहा है कि यहाँ ये टारगेट रखना है तो उन्हीं को फॉलो करें। एंड दिस इज़ ओनली द पार्ट जहाँ पर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ। एक साइकोलॉजी बनाइए, एक माइंडसेट बनाइए एंड ट्राई टू पेपर ट्रेड इट मैक्सिमम, ताकि आपको पता लगे कैसे ऑर्डर्स पंच होते हैं। थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जो है ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ टू लाइक, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप हर वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमारा चैनल जो है आपके साथ ही ग्रो करे। एंड आई होप जो है आप इसे शेयर करेंगे मैक्सिमम, ताकि हम सबको फ़ायदा हो। और जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैं फ़ीस उतनी ही नॉर्मल रख पाऊँगा, उतनी कम, इवन मैं हंड्रेड्स में आ सकता हूँ, मैं 100 रुपये या 200 रुपये फ़ीस रख सकता हूँ, अगर ये बहुत सारे लोग जो है उनको ये वीडियो पहुँचता है। सो राइट एवरीवन, थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर, धन्यवाद।